नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम रावर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने Z24 ऑफिशियल में। बच्चों, आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं वर्ब वर्बुल का, ठीक है। और उसमें हम जो आपके सामने क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि किसी भी संख्या को पूर्ण संख्या कैसे बनाया जाता है वो आप सीखेंगे, क्योंकि हर संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती ना। अब पूर्ण संख्या आपको बनानी है तो क्या करोगे आप, या तो उसको किसी संख्या से गुणा करोगे या आपकी संख्या से भाग दोगे। अब भाग या गुणा करने पर ही वो संख्या क्या बन सकती है, पूर्ण वर्ग बन सकती है, ठीक है। तो आज सीखते हैं कि संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाई जाती है। तो संख्या को, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर वह पूर्ण संख्या बन सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। अब गुणा या भाग कैसे करें, तो ध्यान देना है कि पहले हमें उस संख्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्या में जोड़े बंधन बनाते हैं और जोड़े बनना रह जाता है, जो संख्या नीचे रह गई उसका जोड़ा नहीं बना, मतलब पेयर में नहीं आई, तो उस अकेली संख्या को हमने उठा लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मेन संख्या से, ठीक है, दी गई संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। जो संख्या आएगी वो स्क्वायर होगा, वो पूर्ण संख्या होगी, किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर बन के ही आएगी, क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखना है हमारे को। हम क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ऐसा ही भाग विधि में भी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं और कह रहे हैं कि 48 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने हेतु किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई बताओ, हम यहां पे 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जब हम निकाले थे अभी 48 के निकाल लेंगे। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं भाई, दो का भाग दिया जाएगा 24, दो का भाग दिया जाएगा 12 आ जाएगा, दो का भाग दिया तो 6 बार भाग चला गया, 6 दूनी 12, दो का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर 2 का भाग जाता ही नहीं है, किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है ना। तो यहाँ पे 48 एक पूर्ण संख्या नहीं है, उसको हमें पूर्ण संख्या बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि 48 के जब हमने फैक्टर देखे तो 2 × 2 कितनी बार 2 आया है भाई, 4 बार तो 2 आया है और 1 बार 3 आया है, ऐसा करने पर कितना आ रहा है, 48 बन रहा है। तो 3 कैसा है, यहाँ पे अकेला है ना, तीनों अकेला है तो क्या करेंगे, एक 3 और चाहिए भाई, जोड़ा बन जो बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे 2 का, ये 3 तो अकेला है, 3 जो अकेला है सो गुणा कर देंगे किससे, 48 से, यानी 48 × 3 और ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और 144 क्या होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है, 144 आता है, तो बन गई ना पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो नोट कर लो उसको, तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देख चलते हैं, यहां पे भाग भी देना पड़ सकता है आपको, ठीक है, गुणा करना या भाग देना, वो उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है कि जिस तरीके से गुणा कर रहे हो ऐसे इसको भाग दे दो, आप 48 को 3 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा भाई, 48 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा,
16 आ जाएगा, और 16 आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, तब भी ये क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, बन गई कि नहीं। तो भाग देना या गुणा करना दोनों में से किसी प्रोसेस से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है क्लियर, तो आगे देखते हैं, मैं बता रहा हूं आपका एग्जांपल को और हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें हमारे पास जैसे हमारे पास आ गया 224 आ गया, ठीक है 224 आ गया, एग्जांपल हो रहे हमारे पास 224, 224 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करें, 224 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, ठीक है ये आपको हमें बताना है। तो पूर्ण संख्या में बनानी है, किस संख्या से गुणा करें ये बात आप देखेंगे। तो वही काम करना है, देखो मैंने बताया था गुणा या भाग कुछ भी करना पड़ सकता है, दोनों तरफ से आंसर आपका आ जाएगा। आपको गुणा करने की पूछा तो गुणा कर दीजिए, ठीक है भाग की पूछा तो उसी संख्या से भाग ले सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए आप 224 का एलसीएम निकाल लेते हैं, दो का भाग जा रहा है, तो एकम दो, दो एकम दो, दो दुनी चार, ठीक है 112 आ गया, फिर दो का भाग दिया कितना आ गया 56, 56, फिर दो का भाग दिया कितनी बार गया 28 बार, फिर दो का भाग दिया कितनी बार गया फिर 7 बार, और 7 का भाग दिया तो 1 बार। सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ गया भाई, ये हो गया आपके पास गुणनखंड किसके 224 के, यानी कि 224 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, ठीक है 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और गुणा में 7, ठीक है ये 1, 2, 3, 4, 5 और 7, ठीक है भाई जोड़े बनाने के क्या चाहिए भाई, देखो जोड़ा बनाना है तो ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे कहा 2 भी अकेला है और 7 भी अकेला है, अब 2 और 7 अकेले हैं तो उसका मतलब गुणा किससे करना जाएगा, 2 गुणा 7 यानी कि 14 से गुणा किया जाएगा, ठीक है किसको 224 को, 224 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या बन जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा 3136, ठीक है 3136, 56 पावर 5 14 2 28 और 5 33 पावर 3 28 और 331, ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है हमारा 3136। और 3136 क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 56 का होल स्क्वायर, ठीक है 56 का क्या होता है, ये होल स्क्वायर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर आएगा, आप उसको डिवाइड कर दीजिए इससे, आप 224 को डिवाइड कर दीजिए 14 से, 14 बन जा 14, ठीक है कितने बच गए 8, 14 6 जा 84, जो 16 आया है वो भी क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है इसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, आप चाहे यहाँ पे यहाँ पे 14 का डिवाइड कर दो, 14 फोर का कितना होता है 56 होता है, 14 का डिवाइड करो तो 4 ही आएगा, तो चल जाएगा वो 4 का स्क्वायर बनने वाला है, अगर डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका स्क्वायर बनेगा ये 224, 56 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है तो आप दोनों तरफ से कैसे निकाल सकते हो, डिवाइड करने पर, ठीक है भाग देने पर, भाग देने पर 4 का स्क्वायर बनेगा
और मल्टीप्लाई करने पर 56 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आराम से काम चल रहा है बिल्कुल बढ़िया परफेक्टली, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने जो एग्जाम में आएंगे, बस इस साइड चलते हैं। ठीक है, हम और क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन मार्क अपॉन 169 बराबर टू 18 अपॉन 13। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। और इसका रूट निकालने पर कितना आ रहा है, 18 अपॉन 13 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जब हम पता है कि नीचे 13 है और नीचे यहाँ पे कितना है 169 है, तो 169 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, सॉरी वर्गमूल करने पर, स्क्वायर रूट करने पर कितना आता है, 13 आता है। आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल जो है वो आपको 30 तक 40 तक स्क्वायर रूट टिप्स पे यानी कि फिंगर्स पे याद होने चाहिए। मैं पता है कि रूट हम निकालते हैं किसका, 169 का, तो कितना आता है भाई, 13 आता है। ठीक है, तो ये बात पता है कि ऊपर वाला वाले का रूट निकला होगा तो जाए कितना आया होगा, 18 आया होगा। तो अब अगर 18 का स्क्वायर पता है तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, पहले 13 का स्क्वायर किया होगा तभी तो कितना आया, 169 आया। तो ऐसे ही 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, दो वैल्यू ऊपर है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324। ठीक है, तो यहाँ देखो आप ऐसे देखो, x अपॉन 169 अपॉन 18 अपॉन 13। ठीक है, अब दोनों स्क्वायर कर दो आप बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर करूंगा और यहाँ पे स्क्वायर करूंगा, जब यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रन रूट क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, नंबर मेथड है समझाने वाला। यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 अपॉन 169, ये कैंसिल, तो ऐसा कितना हो गया 324। ठीक है, और बता देता है कि 18 का स्क्वायर होने पर यहाँ पर आएगा, तो वो याद है तो आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। ठीक है, दो दो से आप कैसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चीज समझ आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ी वाली बात है नहीं, आपको इजीली सब पता चल रहा होगा कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। है ना, तो आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। और देखिए क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट बी बराबर 4a,
तो ए स्क्वायर अपॉन बी क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/12, ठीक है, फोर का नंबर 1/12। तो ये बताना हमारे, ध्यान ध्यान सोचिए इसको। ठीक है, रूट बी इक्वल टू 4a, रूट बी बराबर 4a है तो ए स्क्वायर अपॉन बी का मान क्या होगा? तो हमको कुछ नहीं करना, खाली इसका लिंक देखना है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या बी की वैल्यू चाहिए, दोनों में से एक की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा मैं निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ ध्यान देना कि रूट बी बराबर दे रखा है 4a, तो मैं a बराबर क्या ले सकता हूँ, रूट बी अपॉन 4 ले सकता हूँ कि नहीं है? भाई a की वैल्यू यहाँ छोड़ दिया, 4 को ले गया इसके नीचे, तो रूट बी अपॉन 4 हो गया, a का मान हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मुझे a का स्क्वायर चाहिए क्वेश्चन के अंदर, मैं कर देता हूँ a स्क्वायर स्क्वायर, तो मैं a का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर कहाँ होगा, स्क्वायर तो दोनों तरफ होगा। ठीक है, स्क्वायर तो कहाँ होगा, दोनों तरफ होगा। तो आप पता है कि अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बच जाएगा बी, और नीचे कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16, स्क्वायर दोनों तरफ होगा ना, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ए स्क्वायर बराबर बी अपॉन 16। अब ये वैल्यू उठा कर दो इसके अंदर, ठीक है, बी अपॉन 16 अपॉन बी, तो क्या होगा भाई, बी से बी कैंसिल, 1 अपॉन 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 3rd। ठीक है, 1 अपॉन 16 हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी बी, मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस हम हमारे पास काफी हैं करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, उसमें हमारा आ जाएगा धन, धन यानी कि क्यूब। ठीक है, जैसे वर्ग वर्गमूल होता है वैसे घन और वर्गमूल होते हैं, है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार की इस प्रकार प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जो संख्या भाग के द्वारा प्राप्त हो आपको वो संख्या क्या कहलाई जाएगी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बच्चों प्यारे, यहाँ देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें भाग देके देखना है तब भी अपन ये आबादी गुणनफल तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो दो का भाग हो कितना आएगा भाई, 7, 2 7 14, ठीक है, 2 3 5 6, और ठीक है अब क्या आ गया 5, 2 का डिवाइड करने वाली संख्या नहीं है, लेकिन आप चेक करो कि 3 से डिवाइड हो रही है क्या, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, इसका मतलब डिवाइड किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, भाजक तक नहीं पता होना चाहिए, 3 2 6, 1 बच गया 13, 3 4 12 और 3 5 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नहीं जा रहा डिवाइड, किसका 3 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5
फोर जा 20, फोर बच गया 5, 5 9 जा 45, यहाँ बच गया 7 से डिवाइड जाएगा 7 टाइम्स, फिर जाएगा 1 टाइम, ठीक है। अगर किससे भाग दिया जाए तो देखो जब सब पेयर बनाते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बनता है, और इसको हम ध्यान देखें तो केवल एक ही जोड़ा बना हुआ है, किसका? 7 का, ना तो 2 का है ना 3 का है ना 5 का, तो एक ही जोड़ा और होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके वो भाग ले लेंगे 1470 में, तो 3 प्लस 6 6 5 30, ठीक है। और ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, इस 30 का हम क्या करेंगे भाग दे देंगे 3 का भाग देने पर, तो 1470 डिवाइड बाय 30, ठीक है, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 47, तो 49 आ गया, तो 49 और किस संख्या से, इस छोटी संख्या भाग देने दिया जाए तो 30 से भाग दिया जाएगा, ठीक है, किससे 30 से भाग दिया जाएगा तो 49 आ जाएगा, और किसका स्क्वायर होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 30, ठीक है, 30 इज योर आंसर। तो बच्चों तो आज कितना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट की बात करेंगे, आराम से इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगी, अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें, धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।